नमस्कार दोस्तों, आप सभी का हमारे भक्ति एंड वन वीडियो चैनल में स्वागत है। आज मैं आप लोग को पुत्रदा एकादशी के द्वादशी तुलसी माता की कथा सुनाने जा रही हूँ। तो चलिए भक्तों, श्रवण करते हैं। तुलसी से जुड़ी एक कथा बहुत प्रचलित है। श्रीमद् देवी भागवत पुराण में इनके अवतरण की दिव्य लीला कथा भी बनाई गई है। एक बार शिव जी ने अपने तेज को समुद्र में फेंक दिया था। उससे एक महातेजस्वी बालक ने जन्म लिया। यह बालक आगे चलकर जालंधर के नाम से पराक्रमी दैत्य राजा बना। इसकी राजधानी का नाम जालंधर नगरी था। दैत्यराज कालनेमी की कन्या वृंदा का विवाह जालंधर से हुआ। जालंधर महाराक्षस था। अपनी सत्ता के मद में चूर उसने माता लक्ष्मी को पाने की कामना से युद्ध किया, परंतु समुद्र से ही उत्पन्न होने के कारण माता लक्ष्मी ने उसे अपने भाई के रूप में स्वीकार किया। वहां से पराजित होकर वह देवी पार्वती को पाने की लालसा से कैलाश पर्वत पर गया। भगवान देवाधिदेव शिव का ही रूप धरकर माता पार्वती के समीप गया, परंतु माँ ने अपने योग बल से उसे तुरंत पहचान लिया तथा वहां से अंतर्ध्यान हो गई। देवी पार्वती ने क्रुद्ध होकर सारा वृत्तांत भगवान विष्णु को सुनाया। जालंधर की पत्नी वृंदा अत्यंत पतिव्रता स्त्री थी। उसी के पतिव्रत धर्म की शक्ति से जालंधर ना तो मारा जाता था और ना ही पराजित होता था। इसलिए जालंधर का नाश करने के लिए वृंदा के पतिव्रत धर्म को भंग करना बहुत आवश्यक था। इसी कारण भगवान विष्णु ऋषि का वेश धारण कर वन में जा पहुँचे, जहाँ वृंदा अकेली भ्रमण कर रही थी। भगवान के साथ दो मायावी राक्षस भी थे, जिन्हें देखकर वृंदा भयभीत हो गई। ऋषि ने वृंदा के सामने पल में दोनों को भस्म कर दिया। उनकी शक्ति देखकर वृंदा ने कैलाश पर्वत पर महादेव के साथ युद्ध कर रहे अपने पति जालंधर के बारे में पूछा। ऋषि ने अपने माया जाल से दो वानर प्रकट किए। एक वानर के हाथ में जालंधर का सिर था तथा दूसरे के हाथ में धड़। अपने पति की यह दशा देखकर वृंदा मूर्छित होकर गिर पड़ी। होश में आने पर उन्होंने ऋषि रूपी भगवान से विनती की कि वह उसके पति को जीवित करें। भगवान ने अपनी माया से पुनः जालंधर का सिर धड़ से जोड़ दिया, परंतु स्वयं भी वह उसी शरीर में प्रवेश कर गए। वृंदा को इस छल का तनिक भी आभास ना हुआ। जालंधर बने भगवान के साथ वृंदा पतिव्रता का व्यवहार करने लगी, जिससे उनका सतीत्व भंग हो गया। ऐसा होते ही वृंदा का पति जालंधर युद्ध में हार गया। इस सारी लीला का जब वृंदा को पता चला तो उसने क्रुद्ध होकर भगवान विष्णु को हृदयहीन शीला होने का श्राप दे दिया। अपने भक्त के श्राप को भगवान विष्णु ने स्वीकार किया और शालिग्राम पत्थर बन गए। षष्ठी के पालनकर्ता के पत्थर बन जाने से ब्राह्मण में असंतुलन की स्थिति हो गई। यह देखकर सभी देवी देवताओं ने वृंदा से प्रार्थना की कि वह भगवान विष्णु को श्राप मुक्त कर दें। वृंदा ने भगवान विष्णु को श्राप मुक्त कर स्वयं आत्मदाह कर लिया। जहाँ वृंदा भस्म हुई, वहाँ तुलसी का पौधा होगा। भगवान विष्णु ने वृंदा से कहा, हे वृंदा, तुम अपने सतीत्व के कारण मुझे लक्ष्मी से भी अधिक प्रिय हो गई हो। अब तुम तुलसी के रूप में सदा मेरे साथ रहोगी। तब से हर साल कार्तिक महीने के देव उठनी एकादशी का दिन तुलसी विवाह के रूप में मनाया जाता है। जो मनुष्य भी मेरे शालिग्राम रूप के साथ तुलसी का विवाह करेगा, उसे इस लोक और परलोक में विपुल यश प्राप्त होगा। उसी दैत्य जालंधर की यह भूमि जालंधर नाम से विख्यात है। सती वृंदा का मंदिर मोहल्ला कोट किशन चंद में स्थित है। कहते हैं कि इस स्थान पर एक प्राचीन गुफा भी थी, जो सीधी हरिद्वार तक जाती थी। सच्चे मन से 40 दिन तक सती वृंदा देवी के मंदिर में पूजा करने से सभी मनोरथ पूर्ण होते हैं। मृत्यु के समय जिसके प्राण मंजरी रही तुलसी और गंगा जल मुख में रखकर निकल जाते हैं, वह पापों से मुक्त होकर वैकुंठ धाम को प्राप्त होता है। जो मनुष्य तुलसी व आमलों की छाया में अपने पितरों का श्राद्ध करता है, उसके पितर मोक्ष को प्राप्त हो जाते हैं। अब चलिए भक्तों, तुलसी जी का पाठ श्रवण करते हैं। जय जय तुलसी भगवती सत्यवती सुखदानी, नमो नमो हरि प्रेयसी श्री वृंदा गुनखानी। श्री हरि शीश विरजिनी देहु अमर वर अम्ब, जनहित है वृंदावनी अब ना करू विलम्ब। चौपाई धन्य धन्य श्री तुलसी माता, महिमा अगम सदा त्रुति गाता। हरि के प्राणु से तुम प्यारी, हरि ही हेतु किन्हो ताप भारी। जब प्रसन्न है दर्शन दीन्हो, तब कर जोरी विनय उसकीन्हो। हे भगवंत कंत मम होहु, दीन जानी जनी छाड़ाहु छोहु। सुनी लक्ष्मी तुलसी की बानी, दीनों शाप कद पर आनी।
उस अयोग्य वर मांगन हारी, होहु विटप तुम जड़ तनुधारी, सुनी तुलसी हिम श्यो तेहि ठामा, करु वास तुहु नीचन धामा, दियो वचन हरि तब तत्काला, सुनु सुमुखी जनी होहु विहाला, समय पाई वो रो पाती तोरा, पूजी हो आस वचन सतमोरा, तब गोकुल महागोप सुदामा, तासु भई तुलसी तुबामा, कृष्ण रास लीला के माही, राधे शक्यो प्रेम लखी नाही, दियो श्राप तुलसी है तत्काला, नर लोकु तुम जन्मू बाला, यो गोप वह दानव राजा, शंख चूड़ नामक शिर ताजा, तुलसी भई तासु की नारी, परम सती गुण रूप अगारी, अस द्वे कल्प वीत जब गाऊं, कल्प तृतीय जन तब भऊ, वृंदा नाम भयो तुलसी को, असुर जलंधर नाम पति को, करी अति द्वंद अतुल बलधामा, लीना शंकर से संग्राम, जब निज सैन्य सहित शिव हारे, मरी न तब हर हरि पुकारे, पतिव्रता वृंदा थी नारी, को न सके पति ही संहारी, तब जलंधर ही भेष बनाई, वृंदा ढेक हरि पहुँचो जाई, शिव हित लही करी कपट प्रसंगा, कियो सतित्व धर्म तोहु भंगा, भयो जलंधर कर संहारा, सुनी उर शोक उपारा, तिही छंड दियो कपट हरि टारी, लखी वृंदा दुख गिरा उचारी, जलंधर जस हत्यो अभीता, सोई रावण तस हरि सीता, अस प्रस्तर सम हृदय तुम्हारा, धर्म खंडी मम पति संहारा, यही कारण लही श्राप हमारा, होवे तनु पाषाण तुम्हारा, सुनी हरि तुरत ही वचन उचारे, दियो श्राप बिना विचारे, लख्यो न नीज करतुति पति को, छलन चयो जब पार्वती को, जड़मती तू हूँ अस हो जड़ रूपा, जग मह तुलसी वितप अनुपा, धगव रूप हम शालिग्रामा, नदी गंडकी बीच ललामा, जो तुलसी दल हम ही चढ़ हैं, सब सुख भोगी परम पद पहिए, विनु तुलसी हरि जलत शशीरा, अतिशय उठत शीश उर्पीरा, जो तुलसी दल हरि शिर धारत, सो सहस्र घट अमृत डारत, तुलसी हरि मन रंजनी हारी, रोग दोष दुख भंजनी हारी, प्रेम सहित हरि भजन निरंतर, तुलसी राधा में नाही अंतर, व्यंजन हो छपनहु प्रकारा, विनु तुलसी दल न हरि प्यारा, शकल तीर्थ तुलसी तरु छाही, लहत मुक्ति जन संशय नाही, कवि सुंदर इक हरि गुण गावत, तुलसी ही निकट सहज गुण पावत, बसत निकट तुर्वासा धामा, जो प्रयास ते पूर्व ललामा, पाठ करी जो नित नर नारी, हो ही सुख भाषही त्रिपुरारी, दोहा तुलसी चालीसा पढ़ी तुलसी, तरु ग्रहधारी, दीप दान करी पुत्र फल पावी, बंदियु नारी, सकल दुख दरिद्र हरि हार है, परम प्रसन्न आशय धन जन, लड़ी ग्रह वसी हरि राम, तुलसी महिमा नाम लग तुलसी सूत सुख राम, मानस चालीस रच्यो जग महम तुलसी दास। अब चलिए भक्तों आरती श्रवण करते हैं। ओम जय जगदीश हरे, स्वामी जय जगदीश हरे, भक्त जनों के संकट, भक्त जनों के संकट क्षण में दूर करे। ओम जय जगदीश हरे, जो ध्यावे फल पावे, दुख बिन से मन का, स्वामी दुख बिन से मन का, सुख संपत्ति घर आवे, सुख संपत्ति घर आवे, कष्ट मिटे तन का। ओम जय जगदीश हरे, माता पिता तुम मेरे, शरण गहूँ मैं किसकी, स्वामी शरण गहूँ मैं किसकी, तुम बिन और न दूजा, तुम बिन और न दूजा, आस करूँ मैं जिसकी। ओम जय जगदीश हरे, तुम पूरन परमात्मा, तुम अंतरयामी स्वामी, तुम अंतरयामी, पार ब्रह्म परमेश्वर, पार ब्रह्म परमेश्वर, तुम सबके स्वामी। ओम जय जगदीश हरे, तुम करुणा के सागर, तुम पालन करता स्वामी, तुम पालन करता, मैं मूरख खल कामी,
मैं मूरख खल कामी, कृपा करो भरता। ओम जय जगदीश हरे, तुम हो एक अगोचर, सबके प्राणपति, स्वामी सबके प्राणपति। किस विधि मिलूं दया में, किस विधि मिलूं दया में, तुमको मैं कुमती। ओम जय जगदीश हरे, दीन बंधु दुख हरता, तुम ठाकुर मेरे, स्वामी तुम ठाकुर मेरे। अपने हाथ उठाओ, अपने हाथ उठाओ, द्वार पड़ा मैं तेरे। ओम जय जगदीश हरे, विषय विकार मिटाओ, पाप हरो देवा, स्वामी पाप हरो देवा। श्रद्धा भक्ति बढ़ाओ, श्रद्धा भक्ति बढ़ाओ, संतन की सेवा। ओम जय जगदीश हरे, तन मन धन और संपत्ति, सब कुछ है तेरा स्वामी, सब कुछ है तेरा। तेरा तुझको अर्पण, तेरा तुझको अर्पण, क्या लागे मेरा। ओम जय जगदीश हरे, जगदीश्वर जी की आरती, जो कोई नर गावे स्वामी, जो कोई नर गावे। कहत शिवानंद स्वामी, कहत शिवानंद स्वामी, सुख संपत्ति पावे। ओम जय जगदीश हरे, ओम जय जगदीश हरे, स्वामी जय जगदीश हरे। भक्त जनों के संकट, भक्त जनों के संकट, क्षण में दूर करे। ओम जय जगदीश हरे। बोलो विष्णु भगवान की जय, लक्ष्मी नारायण की जय। धन्यवाद। आशा करती हूँ कि आपको मेरे वीडियोस पसंद आते हैं। अगर आपको मेरे वीडियोस पसंद आते हैं तो प्लीज़ लाइक, शेयर और सब्सक्राइब ज़रूर करें।